अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी लोग मुझसे कह रहे थे कि भाई जो वाकया जो पेश आया कराची में उसके लिए आप वीडियो बनाएं ताकि लोगों तक पैगाम पहुंचे, हम भी चाहते हैं कि आप भी कोई पैगाम दें। तो वाकया जो पेश आया है वो पेश ये आया है कि परसों की बात है, मेरे ख्याल से आप लोगों को इल्म में तो आ चुका होगा माशाल्लाह से, लेकिन फिर भी मैं चाहूँ तो बता दूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को पता भी नहीं होगा। वाकया ये पेश आया है कि कराची के इलाके में परसों के दिन जो लोग क्रेन पर जो जानवर बांधते हैं अपने, पूरा साल पालते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी नियत ये होती है कि इंशाल्लाह इसको ईद कुर्बान पे कुर्बान करेंगे अल्लाह सुबहाना ताला की बारगाह में, लेकिन होता अक्सर ये है और देखा भी है गया है और यही हुआ कराची में परसों के दिन कि वो जानवर जब उतार रहे थे तो वो हिलजुल करता करता ट्रक के ऊपर गिर गया और जब वो ट्रक के ऊपर गिरा है तो काफ़ी ज़ख्मी हुआ है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला का शुक्र है कि वो बिल्कुल बच गया माशाल्लाह से। बस वो पीछे की तरफ से काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुआ है, उसकी दुम पे काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं और लेकिन वो बच गया अल्लाह का शुक्र है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप लोग माशाल्लाह से इतनी मेहनत करते हैं पूरा साल और छतों पे अपने जानवर पालते हैं तो फिर आप लोगों को ज़रूरत क्या है क्रेन से नीचे उतारने की। मैं सबको नहीं बोलूँगा लेकिन काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं क्योंकि उनको पता है आपको कि भाई क्रेन से जानवर नीचे उतारेंगे, इलाके में धूम मचेगी, लोग वाह वाह करेंगे और वीडियो वायरल होगी हमारे जानवर की। तो वीडियो हो गई वायरल, अब क्या कर सकता है अल्लाह तआला, ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी गलत है जो भी है ना। जब आप क्रेन के अलावा भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, आप जब छत पे पाल रहे हैं तो छत पे भी कुर्बानी हो सकती है आपके जानवर की, ऐसा नहीं है कि आप छत पे कुर्बानी नहीं कर सकते, ज़मीन पे कुर्बानी करें, आप छत पे भी कुर्बानी कर सकते हैं। जब पूरा साल माशाल्लाह से आपने इतनी मेहनत करके छत पे जानवर पाला अपना माशाल्लाह से और इतना खूबसूरत जानवर माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह नज़र बस से बचाया उस जानवर को, तो आप छत पे भी कुर्बानी करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। और रही बात दिखावे की और क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि कुर्बानी जो होती है वो अल्लाह सुबहाना ताला की बारगाह में अपने जानवरों को कुर्बान करने का मतलब है, किसी और को दिखाने का या लोगों की वाह वाह हासिल करने का मतलब नहीं है। और वीडियोस जो हैं वो मैं इसमें अटैच कर दूंगा, आप लोग देख लेगा कि भाई कि उसके गिरते वक्त के मनाजिर भी और माशाल्लाह से जब वो महफूज रहा और ज़ख्मी जो हुआ है वो भी, और मुझे खुशी हुई अल्लाह का शुक्र है कि वो भाई वो ज़िंदा बच गया, लेकिन वीडियो में जिस तरीके से देखा जाता तो अस्तग़फ़ार, जिस तरीके से उसकी गर्दन लटक गई थी तो मैं तो समझा अल्लाह रहम करे बस, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गया है। बाकी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि भाई क्रेन से मत उतारा कर अपने जानवरों को प्लीज़। जज़ाकअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कब खोलनी है पट्टी? अंदर दो, अंदर अंदर है कहीं नहीं।